तो यार हमने रात को बाइक यहाँ पे पार्क कर ली, देख सकते हो जगह बीचों बीच गुप्त। सर इस बंदे को पता ही नहीं है कूलन कहाँ से निकल रहा है, ठीक है। और ये वैसे भी ये थोड़े बहुत अपने काम अपने आप ही करता रहता है, चूतिया बनती इसका करना आदत है क्या नहीं। हाँ तभी तो भाई इसका एक हेलोजिन बिल्कुल बंद हो चुका है, ठीक है। तो एक तो जल रहा है, एक तो बंद हो चुका है, इसको भी नहीं पता मैंने किया क्या है। तो अब इसको करते हैं वार्म अप पे। तो यार मैं गोप्रो हेलमेट में लेके नहीं आया, इसको मैं लगाऊंगा यहाँ पे, और दूसरा पॉइंट है हमारा यहाँ पे, तो व्यू चेक करना 360 का। तो अब सीधा मिलता हूँ फिर बाइक पे। तो यार सुबह सुबह प्लान बनाया कारगिल बॉर्डर जाने का, तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं। मेरी नॉइज़ थोड़ी कम आएगी क्योंकि मैंने फ़ोन को लगा रखा है अपने हेडफोन छोड़ के, मैंने बाइक से लगा रखा है, तो नॉइज़ वगैरह कम आएगी उसकी। आर्मी के बेस कैंप पे जो सबसे टॉप है, देखो भाई उस तरफ ना, जिस तरफ मैंने कैमरा किया उस तरफ देख सकते हो मौसम पूरा, वेदर पूरा खराब हो रखा है, और इस तरफ बादल। तो ये रहे पुराने घर, बहुत ज्यादा बहुत पुराने घर हैं, और देखो किसी की छत वगैरह यहाँ से लोग छोड़ के भाग। तो यार जितने दिन देर के लिए हम आए थे यहाँ पे, तो उतनी देर के लिए रुकने नहीं दिया सर ने। तो भाई ये पहाड़ी पर देख रहे हो ना, इस तरफ चारों तरफ ही भाई आर्मी के लोग हैं, आर्मी के लोग के बेस कैंप है, ऊपर कहीं ना कहीं वो छुपे हुए हैं, यानी कि बैठे हुए हैं कैंपिंग वगैरह करके, कोई आए ना उस तरफ से। और इस तरफ देख रहे हो भाई, इस तरफ है पूरा पाकिस्तान का बॉर्डर। तो ज़्यादा देर यहाँ पे रुकने नहीं देते, और ना ही ज़्यादा देर फोटोज़ वगैरह, ना ही इसके आगे जा सकते हैं, तो इसके आगे परमिशन वगैरह होता है जो भी है। तो यहाँ से न्यूट्रली जाएगा हमारा बाइक, तो हम न्यूट्रली छोड़ेंगे इसको। तो भाई वो रहे सामने पाकिस्तान के कैंप वगैरह जो भी बेस है, उन्होंने बताया वहाँ पे उनका स्टे है। तो दिख रहे होंगे, आई थिंक नहीं दिख रहे होंगे, बट कैमरे में नहीं शो रहा होगा, कभी बहुत छोटा दिखता होगा उसमें। तो अभी चलते हैं फिर यहाँ से। भाई अभी हम थे जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ के हालात बहुत यार मेरे को थोड़े से अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि यार यहाँ पे सीन पता क्या है, तो यार यहाँ पे पता सीन क्या है, 4 दिन तक यहाँ पे स्ट्राइक रहेगा, हड़ताल रहेगा, पता नहीं किस चीज़ का। तो उसकी वजह से जो रोज़गार वगैरह जो शॉप वगैरह सब वहाँ पर बंद रहेगी, तो उसके लिए सोचो क्या होगा। जो बंदा जो 500 रुपये दिहाड़ी बनाने वाला होगा यार रोज़ का, पर बंदा देगा तो उसका क्या हाल होगा 4 दिन तक। तो बहुत ही हाल है यहाँ पर, समझ में आता। अब यहाँ पे आकर फूल लगा रखे, मुझे पहले पता नहीं था कि ये भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है, पर यहाँ पे लद्दाख की फूल है, ये लद्दाख की तरफ हो चुका है, बता रहे थे भैया, तो चलो जैसा भी यार अच्छी हो जाए। तो अभी हम निकल चुके हैं लद्दाख की तरफ, तो पैसे भी निकलवा लिए हैं, क्योंकि आगे जाके मिले हमें ए टी एम कार्ड वगैरह, तो फीस भी करवा लेंगे, थोड़ा बहुत ही कम हुआ भाई, एवरेज तो अपनी बढ़िया दे रही है, बहुत बढ़िया। तो चला चलते हैं, तो
तो यार अभी यहाँ पर रुके रहे भाई, देख सकते हो कितना बढ़िया व्यू है। हम आए थे उस तरफ हमने स्टे किया था, तो भाई एक नंबर। तो हमें जाना है इस तरफ, वहाँ पे देख सकते हो कितनी सारी स्नोफॉल हो रखी है भाई, मज़ा आ गया। लुक वाइज में तो भाई एकदम बढ़िया है जम्मू कश्मीर, तभी भाई अपनी चीज़ है तो किसी दूसरे को क्या देनी। बहुत बढ़िया लगा भाई जम्मू कश्मीर, फर्स्ट टाइम मैंने देखा था। हाँ मैंने बहुत कुछ था, बट मैंने फर्स्ट टाइम देखा इस चीज़ को। अगे ने एक दूजे की वीडियो बनाते जाना, इस तो अगे एक दूजे की वीडियो बनाते जाना। तो भाई हमारा ले रहे 186 किलोमीटर। सो भाई अलग भाई अलग भाई। तो ये कुछ लोग केरला से आए हैं। हाँ नेटवर्क आ रहे, तो यार अभी थोड़ा बहुत फोटो वगैरह क्लिक करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो लग रहा है जैसे हमारी जो गेम की कनक होती है ना, उसके बाहर बने हुए पूरे गोल्डन हो रहे, पूरे शाइन हो रहे भाई। और एक अलग ही है पूरा। और एक और भाई साइकिलिंग करते करते भाई, क्या बात है। सो यार एक टॉप ऑफ पॉइंट पे रुक गए, तो यही सामने से आए हम यहाँ से पूरा यहाँ तक आए। तो भाई पूरा गेहूं के कण जैसा पूरा पहाड़ बना हुआ है यहाँ पे, और वो देखो भाई एकदम पत्थर है, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, और वहाँ पे स्नोफॉल भी है। तो अभी यहाँ पे यार इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है ना भाई, जैसे फिगर की ठंडी हवा होती है ना वैसे ही चल रही है। तो नीचे तो ठीक था, पर ऊपर आके तो और बुरा हाल हो रहा है। तो यार अपनी R1 भी नीचे उतार दिए, और मैगी रेडी। प्रिंस चला गया भाई आगे, जबकि मैं वहाँ पर खड़ा था, वो लोग फुल स्पीड से आया था दो लोगों को ज़्यादा ओवरटेक करने, ज़्यादा ही अपने आप को समझने के लिए यहाँ से चला गया नीचे, जबकि उसको मैंने हॉर्न भी दिया था। तो आया नहीं उसकी गलती। अभी हम खाएंगे फिर आराम से निकल जाएंगे, फिर खाने पीने के बाद पता है क्या, सब कुछ रेडी होने के बाद आ जाएगा। बुलाने नहीं आए तो मुझे ये वो फालतू की बकवास, बस खाने के लिए आएगा लोंडा आधे घंटे में, देखना ज़रूरी है। 5-10 मिनट तो लगेंगे गाइस इसको रेडी होने में थोड़ा सा। और ये सामने सारा आर्मी की एरिया देख रहे होंगे भाई अंदर से। नहीं तो चलाने लगे NS, तो रोहित चलाएगा R1, तो उसका भी कूलर थोड़ा कम है, आगे जाके देखूंगा। प्रिंस जब आएगा, कूलर तो उसी के पास है,
मेरे को लगता नहीं वो इतना जल्दी मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे चला गया, उसको पकड़ना पड़ेगा। अब कहीं तो रुकना नहीं है, मैगी वैगी खा के पेट पूरा भर के तो हो गया बस रेडी। तो यार यहाँ पे कुछ खाने के लिए मिला नहीं, तुम्हें दिखा ही होगा रास्ते में इतना ज़्यादा नहीं है, है भी तो भाई कुछ खास नहीं है। उससे अच्छा हम अपना लाए हैं, कैरी किया एमरजेंसी में, तो एमरजेंसी पड़ गई तो खाना पड़ा उसी वजह से। NS चलाने का एक अलग ही मजा है, क्योंकि इसमें ऐसे अपने आपके जो हाथ है ना बिल्कुल ऐसे ब्रॉड हो जाएंगे, जो R1 में है ना बिल्कुल स्ट्रेट होंगे। तो कभी कभार ब्रॉड हाथ ऐसे करने का भी फीलिंग अलग है, तो लीनिंग में ऐसे ब्रॉड हाथ बहुत मज़ा आता है।